स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल योर ओन थेरेपिस्ट पे। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कमर दर्द के लिए कुछ बहुत ही आसान स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज जो कि आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं और सुपर इफेक्टिव है ये दर्द में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले एक्सरसाइज होगी हमारी बेड पे लेट के होगी, उसको करने के लिए सबसे पहले हमें सीधा लेट जाना है बेड पे। उसके बाद आपको अपने दोनों पैरों का से फोल्ड कर लेना है, हाथों का से साइड में कर लेना है। फिर आपको अपने पैरों को लेफ्ट और राइट बेंड करना है, लेकिन लेफ्ट और राइट बेंड करते वक्त आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप जिस साइड अपना पैर झुकाएंगे उसके अपोजिट साइड में आपको देखना है। जैसे कि अगर आप राइट साइड में अपना पैर झुका रहे हैं तो आपको लेफ्ट साइड देखना है। इस पोजिशन को आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, उसके बाद रिलैक्स। फिर आपको लेफ्ट साइड झुकाना है और राइट साइड देखना है, रिलैक्स। ये आपको 10-10 बार करना है दोनों साइड, 10 बार राइट 10 बार लेफ्ट, बेंड होल्ड रिलैक्स, बेंड होल्ड रिलैक्स। तो अब हम चलते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। दूसरी एक्सरसाइज भी हमें लेट के करनी है। उसके लिए आपको अपने दोनों पैर से फोल्ड करने हैं, फिर अपने लेफ्ट वाले पैर को राइट वाले पैर के ऊपर रखना है, फिर अपने हाथों से राइट वाले पैर को ऐसे ग्रैब कर लेना है। ग्रैब करने के बाद आपको फिर वापस लेट जाना है और अपने पैरों को अपनी तरफ से खींचना है। इस पोजीशन को आपको 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है, फिर आपको रिलीज करना है। फिर आपको पैर चेंज करने हैं, सेम पोजीशन ग्रैब करेंगे, लेट जाएंगे, फिर अपनी तरफ खींचेंगे, 10 सेकंड होल्ड, फिर रिलैक्स। ये आपको 10-10 बार करना है दोनों पैर से लेफ्ट राइट के ऊपर। राइट पैर को ऐसे खींचेंगे अपनी तरफ, होल्ड करेंगे, रिलैक्स, पैर चेंज करेंगे, होल्ड करेंगे, पुल करेंगे, रिलैक्स। तो ये थी हमारी दूसरी एक्सरसाइज। तो तीसरी एक्सरसाइज करने के लिए आपको अपने दोनों पैर उठाने हैं, अपने हाथों को सर के पीछे ऐसे होल्ड लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद आप चाहे तो राइट पैर अपने पहले ऊपर रख सकते हैं या तो लेफ्ट रख सकते हैं। तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने लेफ्ट पैर अपना ऊपर रख लिया है, तो जो हमारा ऊपर है पैर उसके अपोजिट साइड हमें झुकाना है। जैसे लेफ्ट पैर ऊपर है तो हमें राइट साइड में इसको नीचे करके लेके जाना है, जैसे कि ऐसे आप देख सकते हैं, और हमें अपोजिट साइड देखना है। इस पोजिशन को आपको 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, फिर पैर चेंज करेंगे। जो पैर हम ऊपर रखेंगे उसके अपोजिट साइड, जैसे आप देख सकते हैं मेरा राइट पैर ऊपर है, तब हम इसको लेफ्ट साइड में झुकाएंगे और हम राइट साइड में देखेंगे, ऐसे नीचे करेंगे। इस पोजीशन को 10 सेकंड होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स। फिर से देखिए क्या करना है हमें। पहले दोनों पैरों को सीधा ऐसे ऊपर कर लेना है, उसके बाद अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखना है, हाथों को पीछे होल्ड करना है। जो पैर हमने ऊपर रखा है उसके अपोजिट साइड में हमें नीचे करना है। इसका मतलब हमने लेफ्ट पैर अगर ऊपर रखा है तो हमें उसको राइट साइड झुकाना है और हमें उसके अपोजिट साइड देखना है। अगर हम राइट साइड पैर को नीचे कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड मुंडे को रोटेट करना है। इस पोजिशन को 10 सेकंड होल्ड करना है, फिर रिलीज। ये पैर चेंज करेंगे, दस सेकेंड होल्ड करेंगे, फिर रिलीज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, जरूरतमंद लोगों तक ये वीडियो शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।